लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए पंजाब में लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। इसी दौरान पंजाब के पटियाला में निहंग सिखों के हमले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है, जिसने हर किसी को इंसानियत और फर्ज के नए पहलू सिखा दिए हैं। दरअसल इस हमले में एसआई हरजीत सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए जान की बाजी लगा दी। किसी ने उनका हाथ काट दिया और तब भी वो अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो अपना हाथ लेकर बिना किसी एम्बुलेंस का इंतजार किए बस स्कूटी पर बैठे और अपने सहकर्मी से कहा अस्पताल ले चलो। दरअसल एसआई हरजीत सिंह और उनके सहकर्मी लॉकडाउन ड्यूटी के लिए सुबह सुबह से ही तैनात थे। कुछ लोग बाइक पर आए और लड़ना शुरू हो गए, फिर निहंग सिखों ने उन पर और उनकी टीम पर हमला कर दिया, हथियार और तलवार भी निकाल लिए। इसी बीच किसी ने हरजीत सिंह का हाथ काट दिया। जैसे ही हादसा हुआ उन्होंने अपना हाथ लेकर बिना किसी एम्बुलेंस का इंतजार किए बस स्कूटी पर बैठे और अपने सहकर्मी से कहा अस्पताल ले चलो। रास्ते में ही चंडीगढ़ पीजीआई की एम्बुलेंस उन्हें मिल गई। उन्होंने पूरी बात डॉक्टर को बताई और उनका इलाज शुरू हुआ। वहीं पंजाब के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी KBS सिद्धू ने कहा है कि बलबेरा के गुरुद्वारे से 7 निहंगों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक पुलिस फायरिंग में घायल हो गया था और उसे अस्पताल ले जाया गया है। यह पूरा ऑपरेशन IG पटियाला जॉन जतिंदर सिंह औलख की देखरेख में चल रहा है। बता दें कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास के तहत केस दर्ज किया गया है। ऐसे दर्दनाक हमले के बाद तो आरोपी को सजा मिलनी ही चाहिए।